नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। रेवड़ा जनपद की ग्राम पंचायत बिसौर गांव के विकास कराने के नाम पर निकाले गए थे सचिव और सरपंच के द्वारा मास्टर लगाकर 2,49,488 रुपए। फिर भी आज दिनांक तक सुदूर रोड पूर्ण नहीं हुआ, जबकि सुदूर रोड ग्रामीणों के लिए अति आवश्यक था, क्योंकि बिसौर से नई बिसौर की ओर जाने के लिए वही एकमात्र रास्ता था। आपको बता दें कि रोड न डलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। केवल इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने मिलकर पत्रिका प्रतिनिधि से शिकायत कर बताया। विनोद बघेल ने कहा कि बारिश में हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगदीश पिता रघुनाथ ने कहा कि मैं अपने पशुओं को पानी और पशुपालन के लिए एकमात्र सुदूर रोड है जो कि नदी खेतों की ओर निकल जाते। गांव के साहब सिंह बघेल ने कहा कि हम लोगों के यहाँ कोई खत्म हो जाता है तो हमें सभी को इसी रास्ते से मुक्ति धाम के लिए भी जाना पड़ता है। बारिश में क्या परेशानी होती है हम लोगों को ही एहसास है। गांव के हरनाम सिंह ने कहा कि हम लोग किसान हैं, लोगों के खेत पर जाने के लिए एकमात्र रास्ता है जो कि सरपंच सचिव द्वारा ये सुदूर रोड नहीं डलवाया जा रहा। गांव-गांव के जायपल बघेल ने भी बात करते हुए कहा कि जब बारिश होती है समस्या तो सबसे ज्यादा बारिश में ही है। हम सब लोगों को कच्चे रास्ते से ही जाकर मुक्तिधाम पहुंचना होता है। ग्रामीणों के हालात देखकर दंग रह जाते हैं। कहीं जूता तो कहीं डंडा दिखाई देता है। कई बार ग्रामीण बार बार गिर गिर कर निकल पाते हैं। लगभग बिसौर गांव आबादी 1500 करीब है। सभी ग्रामीणों को असुविधा बनी है। केवल इतना ही नहीं, जब जनपद पंचायत सीईओ गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर द्वारा चेक करा लेता हूं कि रोड क्यों नहीं डाला गया। सरपंच प्रभापति से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी है कि मैं सुदूर रोड पूरा नहीं करा पा रहा हूं, क्योंकि उसमें नाप अधूरी हुई है। लेकिन विषय ये बनता है कि जब नाप अधूरी है, मास्टर के द्वारा 2,49,488 रुपए मजदूरों के खातों में कैसे पहुंचे और कैसे टीएस हुई। गांव के सचिव दिनेश चौहान से जब बात की तो उन्होंने कहा कि कई बार नाप के आवेदन तहसीलदार को दे चुके हैं। 2017 से आज दिनांक तक नाप नहीं हुई, इसलिए सुदूर रोड बिसौर की ओर जाने के लिए अधूरा पड़ा है। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नाप कराने के लिए सीधे ही नहीं हो रहा। आपके पिताजी का क्या नाम है? रघुनाथ। आपका क्या नाम है? जगदीश जी। आपकी क्या समस्या है दादा? जो हार को गपा थेंगे। अच्छा। चौपे चगो नहीं ले जा पाए चार आवे को। अच्छा, तो यहाँ और हार के अलावा और को यूज क्या होता है ये रोड? शमशान के लिए जाती है। शमशान पे नहीं पहुँच पाऊ। तो आपने कहीं शिकायत करी दादा? नहीं अभी नहीं की। ठीक है। विनोद, कौन सी जगह के रहने वाले हो? बिसौर के। आपके पिताजी का क्या नाम? कल्लू बघेल। बघेल जी, आप बताएं, इस रोड से कोई समस्या है आपको या नहीं? हाँ है ना। ये क्या समस्या? सोमवार में जाते हैं तो गप के जाते हैं, गप के जाते हैं। हाँ। तो रोड डलना चाहिए? डलना चाहिए। पर अभी तक डला क्यों नहीं? डल रहा था तो पता नहीं। अच्छा अच्छा, तो आपने कहीं शिकायत करी थी? अभी नहीं। ठीक है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपको? राजीव बघेल। आपको भाई साहब क्या नाम है? महेश बघेल। आप कौन से ग्राम के रहने वाले हो? बिसौर। बिसौर के? हाँ। आप भी बिसौरी के रहने वाले? तो आप बताओगे कौन सी जगह हम खड़े हैं वे? हाँ, हम खड़े हैं करके के पास जो मुक्ति धाम है। हाँ, वहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, मुक्ति धाम के पास खड़े हैं। हाँ। तो मुक्ति धाम जाने के लिए रास्ता है ग्रामीणों को? नहीं है, कोई रास्ता नहीं है अभी। अच्छा। हाँ। तो ये कब से बन रहा है रोड? 2017 में उसका वो हुआ था टीएस, पर अभी तक इसका काम नहीं हो पाया है। अच्छा। और ये कारण क्या है, क्यों रखा हुआ है? ये कुछ नाप तोल का काम चल रहा है, इस कारण उस नाप तोल के कारण अभी मतलब पेंडिंग में पड़ा है। अच्छा, लगभग कितने लोगों की यहाँ पर आबादी है इस गांव की? इस गांव की ये 700 के, 750 के लगभग। वोटिंग बता रहे हैं आप? हाँ, वोटिंग। आबादी लगभग 1500 करीब होगी। हाँ, सब मिलाकर 1500। हाँ, बच्चों से तो इतनी होगी। अच्छा अच्छा, तो सभी लोगों को यहाँ पे आना जाना पड़ता है? हाँ, सभी को आना पड़ता तो है। तो ये मुक्ति धाम के होते हुए भी आगे पुरानी बिसौर है क्या? हाँ, पुरानी बिसौर है, नदी का रास्ता है। हाँ, यहाँ ऐसे ही जाते तो हैं। तो पूरे किसानों को उस तरफ जाना रहता? हाँ, क्या ढोर पशु चराने के लिए भी जाना पड़ता है नदी के। अच्छा लिए। बारिश में क्या करते हैं आप लोग? बारिश में क्या, रास्ता ही नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, चौपे इतने इतने धस जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत समस्या बन रही है। बहुत ज्यादा समस्या है। क्यों भैया, आप यहीं के हो ना? गाँव के। तो आपको यहाँ पर जैसे कोई खत्म हो जाता तो यहाँ पर जब लाते हैं अपन तो किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बारिश में तो बहुत ही बारिश में तो जैसे निकला ही नहीं पाते हैं। फिर क्या करते हैं उस सब को, क्या करते हैं इसे? सबको क्या कि जब नहीं आ पाते ना तो फिर वही खेतों के पास दफनाना पड़ता है। अच्छा, खेतों के पास दफना देते हैं। ठीक, इसकी आपने शिकायत करी कहीं? हाँ, मैंने ये किया था 181 पे जी, पर उस पर अभी कोई कारण मतलब निश्चित नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, आपने भी शिकायत करी थी? नहीं, हम तो बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर।